हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। खाना खाने के लिए भैया के घर पे आए हुए थे। भैया को दिखाओ भाई। और इन लोगों ने जो खाना बनाया था, मतलब खाना टेस्ट करने के लिए बोल रहे थे बस भैया के, टेस्ट करके देखो टेस्ट करके। उतने में ही मतलब आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने पतले पतले हैं, तो क्या हाल होती होगी हमारी। लेकिन बड़ा मज़ा आया। हम लोग ऐसे ऐसा मतलब सबसे बढ़िया मुझे जो लगा वो सेव टमाटर, जो मैं पहली बार खाई हूँ, और इतना इतना मज़ा आया खा करके। ऐसे 50 रंग का खाना था, मुझे याद भी नहीं क्या क्या खाया अभी मैंने थोड़ी देर पहले, लेकिन इतना मज़ा आया। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारे बच्चों ने आज, मतलब हम लोग आने वाले थे तो स्कूल की छुट्टी भी मारी है, तो इनके टीचर भी अगर ब्लॉग देखेंगे तो हाय करें एक बार। अगर इनके टीचर देख रही होंगे तो मैं यही छुट्टी अब से कैंसिल। और आज हम लोग फिर से कहीं घूमने जाने वाले हैं, वो भी खाना खाने के लिए। आज अपन 56 जाने वाले हैं। आज अपन 56। अरे भैया का इतना बड़ा परिवार है ना कि हम लोग जब एंटर किए ना इनके घर पे, तो मतलब पूरे गांव जैसे हर तरफ से विला ही विला है, ये विला वो विला, कंपाउंड पूरा भैया का ही मतलब परिवार का है। और यहाँ पे बस इस वाले घर में इतने सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के व्लॉग में। आज इंदौर में हमारा पहला दिन है, और आज हम कल रात में हम आए थे इंदौर में, और आज तो पहला दिन हो गया ना दीदी। कल रात में हम रेसिडेंसी में रुके थे, लेकिन कल जो हमारे कार्यक्रम है 2 तारीख को, तो उन्होंने एक होटल बुक किया हुआ था, होटल वाव, जो कि सही में बहुत वाव है। तो हम यहाँ पे आ गए थे, और आज सुबह में भैया हमें लंच पे ले गए थे अपने घर पे, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। मैं अपने लैपटॉप पे बढ़िया एडिटिंग कर रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा रश हो गया था, बिल्कुल मैं छू ही नहीं पाया लैपटॉप।
और अभी थोड़ी देर में निकलना भी है हमें, मंदिर घूमना है, उसके बाद अपन छपन जाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा भूख भी लग गया था तो दीदी ने थोड़ा मंगा लिया खाने के लिए, तो जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और कुछ लोग मिलने के लिए भी आ गए हैं, तो पापा वाले रूम में हैं, बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो थोड़ी देर में निकलना है हमें, तो जल्दी से सारा काम कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। पहले मंदिर जाना है हमें, अभी मुझे भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे जाना है, बस पहले निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं। ये खिचड़ी मैं अपनी माँ गर्मा के घर जाकर के रोज खाता हूँ। से मुझको भरो तो भव से मेरा पार है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, भक्त वत्सल भगत जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुलशन खिल ही जाएगा, श्री बांकी बिहारी लाल की की भजन संध्या भी है यहाँ पर, कथा के उपरांत भजन संध्या भी होगी, तो आपके भजनों का भी सब आनंद रहे। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें, हम सब की अतिशय लाडली बेटी है ये। एक बार और जोर से बोलो श्री राधे राधे। मैथिली जी के स्वागत सम्मान के लिए हमारे अपने विधायक रमेश मेंदोला जी को आमंत्रित करूं। दिन की मटकन बलिहारी ने शहर माँ देवी अहिल्या के नाम से जाना जाता है, फिर जाना जाता है भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम से। एक बार लता जी के लिए एक बार प्यार भरी तालियां बजा दें, जिन्होंने इंदौर शहर का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। लेकिन एक सौभाग्य हमारा और है, जो आज इंदौर की बेटी बन गई है और आज की लता मंगेशकर है, वो है हमारी प्यारी लाडली मैथिली ठाकुर। जोरदार तालियां। ये भी इंदौर की बिटिया हो गई है, हमारे रमेश दादा ने इसको गोद ले लिया है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मैं दादा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना प्यार इस बच्ची पे बरसाएं, असीम अनंत प्यार। महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज चरणों में वंदन करते हुए बेटी आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। भैया तालियों के साथ झूमना चाहिए भाई, बहुत अद्भुत ये क्षण है हम सभी लोगों के लिए कि मैथिली। और ये दादा एक बार जरा ये फोटो बता दें कि बटिया को गोद ले रखा है आपने, ये भी अपनी इंदौर की बिटिया हो गई है आज के बाद, अब इंदौर के नाम से ही पहचानी जाएगी। जोरदार तालियां। और गुरु जी आप लोग भी थोड़ा सा आशीर्वाद इससे दे दें, इंदौर की बिटिया आज हो गई है। रमेश ठाकुर जी और जो हम तबले पे देखते हैं हमारे ऋषभ भैया को, बहुत बहुत उनका भी स्वागत। हमारे अयाची जी बहुत अच्छी सी मीठी मीठी तालियां बजाते हैं साथ में भाई, ये अद्भुत क्षण हम सब लोगों के लिए। रमेश जी का जो कि सुदूर मधुबनी से हमारे बीच में, जो कि बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह कहलाती है, वहां से एक यात्रा करके आज ये अद्भुत क्षण हम सब लोगों को मिला है। और आज गोपाष्टमी है, आज मैथिली जी ये बहुत अद्भुत क्षण है। जीतू यादव जी अजा भैया, जीतू भैया आप भी स्वागत करें बिटिया का आज। और आदरणीय हमारे कमलेश भैया, क्योंकि हमारे मित्र पुरुष के रूप में वे जरूर बहुत सारा आशीर्वाद देंगे।
कृपाल ही भाव निधि तरिए तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 56 दुकान और यहाँ से स्टार्टिंग होती है इंदौर। हाँ, इंदौर 56 दुकान पहुंच चुके हैं और यहाँ से शुरुआत हो रही है। अजब गजब माहौल है, मेले जैसा लग रहा है। अब खाना पीना शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से। आज मैं भूखे पेट आई हूँ तो आज अच्छे से खाएंगे। चलो, और आज भी हमारे साथ बहुत सारे लोग आपका फेसबुक पे देखता हूँ। कैसा लगा? अच्छा टेस्ट तो करी है, फेमस है यहाँ पे। सभी लोग भी जमा हो गए तेरी को देखने के लिए। यहाँ पे हो गया, हो क्या रहा है यहाँ पे? हम खाना खाने के लिए आए हुए हैं। बहुत सुंदर शहर है इंदौर, और इंदौर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इंदौर में रहते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था हर चीज़ की, और इतना सुंदर खाना पीना, और शांत शहर होने के बावजूद इतनी ज़्यादा चहल पहल है, लोग इतने अच्छे हैं, बड़ा मज़ा आया। सुनो मेरी बात, सुनो, ये गाय के दूध से बना हुआ है, शुगर के रसमलाई है, और हमारे यहाँ की प्रख्यात आइटम है। टेस्ट करिए। टेस्ट कराने के चक्कर में बिल्कुल
और इतना इतना खाना खा रहे हैं और बड़ा मजा आया। सबसे बढ़िया वो था जो हम लोग जिमी कन की छोटी छोटी पकौड़ी गराड़ू जो खा रहे थे, बहुत मस्त। हमारे यहाँ पे उसका वो मिलता है, वो बनाती है मम्मी ओल की चटनी या फिर और सब सब्जी बनाती है, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से खाते हैं। क्या बात है, हो गया थैंक यू। ये आलू को कल वाले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे तो आज ही दूसरे फ्लेवर में पंजाबी तड़का फ्लेवर में है। अरे आलू कैसे काटते हैं, ऐसे करते ना तो ऐसे हो जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पान खाने के लिए। कौन सा पान, कौन सा पान भैया? मिलाप पान पे फायर पान भी मिलता है और भी ढेर सारे फ्लेवर से, उधर दिखा दीजिए। देखो भाई फायर पान दिल्ली का फेमस है, लेकिन हम यहाँ पे खाएंगे फायर पान। चलो पहले फायर वाला का फायर पान। फेस के साथ ना मीम लगाएंगे, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आंवला भी टेस्ट कराओ। सरी तो पान में आग लगने को तैयार है, फायर पान पर आग लगा देना, आग लगा देंगे यहाँ से दिल्ली तक, पूरा धुआं धुआं कर देना सनी। आप पूरा मुंह खोलना, जैसे आपके मुंह में पान रखूंगा तुरंत मुंह बंद करके पान को चबाना, समझ गया ना सनी? ओ पूरा मुंह खोलो, पता ही नहीं पड़ेगा। पता ही नहीं लगी कहाँ पे। ये हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर मिल गया। चलिए दीदी, अरे सही में कहाँ देखते हो वीडियो? आप क्या खाना पसंद करोगे, थोड़ा कुछ दाबेली वड़ा पाव वगैरह पसंद आता है? हम लोग तो बॉम्बे का थोड़ा ये अच्छा है, बॉम्बे का टेस्ट मिलेगा आपको, मतलब मैं बॉम्बे से हूँ तो वो एक टेस्ट है। मतलब आपको अगर तीखा पसंद है तो वड़ा पाव ट्राई करो, और एकदम तीखा नहीं पसंद है तो दाबेली ट्राई कर सकते हो आप। कुछ भी मतलब जो थोड़ा सा ही खाना, थोड़ा वो एक दाबेली बनाओ, एक दाबेली और एक वड़ा पाव, हां एक कट करें ताकि दोनों आप। ये सब लोग धोखेबाज है, मुझे अकेले खाने को बोलेंगे। अरे नहीं नहीं, आप सब एक बाइट खाना, बाकी सब खा लेंगे। ये दाबेली है, ये गुजरात की मतलब बहुत ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड में से एक गिना जाता है। और ये वड़ा पाव तो आपने नाम सुना ही रहेगा, बॉम्बे में आप विजिट किए हो तो बॉम्बे में वड़ा पाव जो है इट इज लाइक वेरी वही टेस्ट है। ये क्या चीज होता है, पाउडर? ये जो है ना, दिस इज बेसिकली हार्ट ऑफ वड़ा पाव, मतलब ये चटनी जो है उससे ही वड़ा पाव का टेस्ट, मतलब बाकी तो आलू वड़ा ही है, पर ये चटनी जो है उससे क्या बोलते हैं स्मोक,
मैया ने गिफ्ट दिया, ये फ्री में। यह है मुंबई का असली वड़ा पाव, यहाँ पे इंदौर के अंदर। आ गए हम धूमधाम के वापस। आप क्या आज जल्दी फ्री हो गए 10 ही बजे? चलिए आज आपको आराम करिए। नहीं, हमको नहीं, आपको आराम करना है आज। हमारा तो तो गाइस आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। बहुत ज्यादा मजा आया आज, इतना टाइप का खाना खाया। मैं ये बात बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर में से फूड व्लॉग्स बनाते हैं, अगर वो भाई साहब इंदौर आ जाएं और अपना फूड व्लॉग बनाएं, तो भाई कभी खत्म नहीं होगा उनका कंटेंट ही कंटेंट। भाई इतना मस्त मस्त यहाँ पे वैरायटी का खाना मिलता है, ओह मजा आ गया एकदम। तो अभी बस परसों निकलना दिल्ली के लिए, कल कार्यक्रम है हमारा, तो सब पैकिंग वैकिंग चल रही है यहाँ पे। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। कल जल्दी उठना है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने के लिए आने वाले हैं, हमें कहीं पे जाना भी है शायद, अभी प्लान पता नहीं, पापा बनाएंगे वो, और कल कार्यक्रम भी है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा सब कुछ। तो आप सभी से लेते हैं यहीं पे हम अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इजाजत, ओके बाय बाय।